वेलकम टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही न्यू लॉन्च्ड फेशियल किट. एंड आपको थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा. वेल, ये है रूप मंत्रा की चारकोल फेशियल किट. ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है. मैंने इनकी काफी सारी फेशियल किट्स और भी हैं जो रिव्यू करके रखी हैं, जैसे गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल एंड हर्बल फेशियल. ये सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे. मैं लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि चारकोल फेशियल किट क्यों यूज करते हैं हम लोग, कौन सी एज ग्रुप के लिए यूज होता है एंड कौन से पर्पस के लिए यूज होता है. बेसिकली एक चीज जो स्टार्टिंग में ही मैं बोल देना चाहती हूँ वो ये कि ये मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, लड़का लड़की दोनों ही यूज कर सकते हैं. सो आई रियली होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा. एंड में इस फेशियल किट का मैं डेमो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको यूज करना है स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल बटन पे हिट करिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. फर्स्टली, ये जो फेशियल किट है रूप मंत्रा की तरफ से, इसमें 5 स्टेप्स हैं, यानी कि आपको टोटल 5 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं अलग अलग. जैसे कि इनकी बाकी फेशियल किट्स में भी हमेशा 5 स्टेप्स रहते हैं, वैसा ही सिमिलर इसके साथ भी है. एंड इसका जो प्राइस है वो है 398 रुपीज. अगर मुझे दिखा कि ये कहीं डिस्काउंट पे है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो. अदरवाइज ये लोकल स्टोर्स में भी मिल जाएगी. आप केमिस्ट की दुकानों में, मेडिकल शॉप्स में भी चेकआउट कर सकते हैं इस फेशियल किट को. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या क्या स्टेप्स वाली चीजें इंक्लूड की हैं. फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग मिल्क का, फिर सेकंड स्टेप है स्क्रब, थर्ड इज मसाज जेल, देन इज फेस पैक, और फिर है नरिशिंग क्रीम. अब जनरली काफी लोग जो कि मतलब कि फेशियल पार्लर से कराते हैं, काफी लोग, काफी सलून्स पार्लर वालियां ये करती हैं कि वो स्क्रब के बाद सीधे क्रीम आ जाता है उनका स्टेप, लेकिन स्क्रब के बाद जेल नहीं करती हैं. सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि स्क्रब के बाद क्या होता है ना, आपके पोर्स खुल जाते हैं और उनको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, थोड़ा ईज आउट करने के लिए क्रीम की जगह जेल लगाना ज्यादा जरूरी होता है. एंड काफी जो सलून्स हैं वो ऐसा फॉलो करते हैं कि स्क्रब के बाद वो लोग क्रीम लगाते हैं और फिर जेल लगाते हैं. वेल, दैट इज रियली अ रॉन्ग स्टेप, रॉन्ग ऑर्डर टू फॉलो. अब आते हैं चारकोल के बेनिफिट्स पे कि क्यों चारकोल के जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी स्किन को देना. सो बेसिकली चारकोल का नंबर वन बेनिफिट ये होता है कि वो आपकी स्किन पर से पॉल्यूटेंट्स को बहुत ही अच्छे से खींच के निकालता है, रिप आउट करके निकालता है. कोई भी ज्यादा डर्ट और पॉल्यूशन अगर आपकी स्किन पर है तो आपका वो निकल जाएगा. एंड यहां पे बात आती है, जनरली अगर आप एक फीमेल हो जिसको कि बाहर काम करना ज्यादा रहता है, आप बहुत आते जाते रहते हो या आपको धूप में खड़े होके ज्यादा काम करना रहता है, ये जनरली मेल्स के लिए होता है जिनका साइड जॉब होता है इंजीनियरिंग का, तो उनके लिए भी ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि वो अपने स्किन केयर में कुछ चारकोल से रिलेटेड या चारकोल इन्फ्यूज कुछ शामिल करें अपने स्किन केयर में, तो उनकी जो स्किन है वो ठीक रहेगी. चारकोल का एक दूसरा बेनिफिट ये है कि वो आपकी स्किन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा ग्लो लाने में मदद करता है, थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्शन बेटर करता है, क्योंकि चारकोल जो होता है वो एक वाइटनिंग एजेंट के लिए भी यूज होता है, स्पेशली दांतों पर. सो वही चीज है कि चारकोल थोड़ा सा ग्लो लाने में मदद करता है, इवन आउट करता है आपके कॉम्प्लेक्शन को, एंड स्पेशली अगर आपको कोई टैनिंग या पिगमेंटेशन है तो उसको भी वो धीरे धीरे करके कम करता है. सो इसलिए भी आपको एक चारकोल फेशियल या चारकोल इन्फ्यूज जो स्किन केयर होता है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए. सो ये तो हो गए इस फेशियल किट के बेनिफिट्स. अब आते हैं जो मेरे से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी एज ग्रुप वाले यूज कर सकते हैं, टीनेजर्स यूज कर सकते हैं कि नहीं. जनरली मैं फेशियल्स के लिए भी, सारे ही फेशियल्स के लिए ऐसा बोलती हूँ कि आपको 18-19 के बाद ही फेशियल्स यूज करना चाहिए, उससे पहले आपको क्लीन अप यूज करना चाहिए. इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन सी एज ग्रुप पे कौन सा फेशियल आपको यूज करना चाहिए, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. सभी लोगों को आजकल वो बहुत पसंद आ रहा है. सो नाउ अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस फेशियल किट को आपको यूज करके दिखाऊंगी अपने फेस पर. काफी दिन से मैंने भी फेशियल नहीं किया है, सो मैं भी इसी के साथ फेशियल कर लूंगी. आपको भी आइडिया हो जाएगा हाउ टू यूज दिस. लेट्स गेट इनटू इट. सो गाइज, शुरू करते हैं चारकोल फेशियल करना. सबसे पहले मैं पहला स्टेप जो है ऑब्वियसली वो क्लेंजिंग मिल्क का होता है. ये थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लूँगी एंड इसको अच्छे से 5-10 मिनट के लिए मसाज करूँगी, जिससे कि जो भी डर्ट पोल्यूशन वगैरह स्किन पर होती है या अगर आप इवन मेकअप करते हैं थोड़ा बहुत तो वो भी हट जाता है क्लेंजिंग मिल्क से. सो बीच बीच में मैं हर स्टेप पर पानी लेती रहूँगी. यहाँ पर भी मैंने अपने हाथों को थोड़ा गीला किया था और फिर मसाज कर रही हूँ. वैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो अब तक फेशियल करना आ गया होगा, बट मैं अपने नए व्यूअर्स को कैसे भूल सकती हूँ. सो इसीलिए मैं आज आपको डेमो इसका करके ही दिखा रही हूँ.
अब आते हैं स्टेप नंबर टू पे, विच इज़ द फेस स्क्रब। तो स्क्रबिंग का स्टेप बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आपने अगर क्लेंजिंग मिल्क किया हुआ है या क्लेंजिंग कर ली है तो उसके बाद उससे सारी इम्प्योरिटीज़ नहीं हटती हैं। तो स्क्रब से क्या होता है ना कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जो भी और छोटी बहुत गंदगी होती है फेस पर, कभी चिपकी हुई होती है, डेड स्किन होती है, वो भी हट जाती है फेस स्क्रबिंग से। एंड स्क्रबिंग के वक्त आपको बहुत ही जेंटल रहना है क्योंकि इस स्क्रब में एप्रिकॉट शेल्स पड़े होते हैं, थोड़े बीड्स पड़े होते हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान दे सकते हैं। 5 मिनट ही करिएगा एंड उसके बाद अपने स्किन को वॉश कर लीजिएगा पानी से। फिर आता है मसाज जेल का। मसाज जेल ये वाला बहुत मुझे अच्छा लगा और इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी सी थी। एंड इसमें मैं देख पा रही थी कि प्रॉपर एक्टिवेटेड चारकोल पड़ा हुआ है क्योंकि मुझे चारकोल की डस्ट दिख रही थी इस वाले मसाज जेल में। एंड ये जेल लगाना बहुत ही सूदिंग लगा मुझको। आई वुड से कि ये अब तक का बेस्ट फेशियल है फ्रॉम रूप मंत्रा। आई वुड से मसाज जेल के स्टेप को 10 मिनट कम से कम करना चाहिए ताकि जो भी स्क्रबिंग की वजह से आपके पोर्स खुल गए हैं वो जेल से काम डाउन हो जाए। एंड देन यू सिंपली नीड टू वॉश इट ऑफ। फिर आता है फोर्थ स्टेप जिसमें फेस पैक लगाना है। तो फेस पैक मैंने लगा लिया है, आपको इसको तब तक रखना है जब तक ये सूख नहीं जाता। एंड देन यू हैव टू वॉश इट विद नॉर्मल कोल्ड वाटर। एंड लास्ट स्टेप विच इज़ द नरिशिंग क्रीम। तो इससे आपकी स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज हो जाएगी एंड आपके फेशियल के बेनिफिट्स जो आपके हुए हैं वो इंटैक्ट रहेंगे आपकी स्किन पर। एंड आई रियली लव दिस फेशियल किट। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टू। बाय गाइज।